जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक चार आतंकी हमले हुए हैं, जिसके पीछे पाकिस्तान की साजिश का भी पर्दाफाश हुआ है। पीओके में करीब 300 आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। पीओके के आतंकी अड्डे सुपर एक्टिव। आईएसआई ने 3 टॉप कमांडर को टेरर कॉन्ट्रैक्ट दिया। घुसपैठ के लिए तैयार 250 आतंकियों का दस्ता। रडार पर आया मोस्ट वांटेड अबू हमजा। जम्मू कश्मीर में आतंक का खूनी खेल खेलने वाली पाकिस्तानी दहशतगर्दों की गीदड़ गैंग की नई किश्त घुसपैठ के लिए तैयार है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के सभी आतंकी कारखाने सुपर एक्टिव हो गए हैं। खुफिया इनपुट से मिली जानकारी ने सुरक्षा बलों को चौकन्ना कर दिया है, क्योंकि पीओके के आतंकी अड्डों पर जबरदस्त हलचल है। टेरर कैंप में बौखलाए आतंकी सरगनाओं का जमावड़ा लगा है। भारत में दहशतगर्दी फैलाने के लिए बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, कमांडरों की तैनाती कर दी गई है। खुफिया इनपुट में ये भी पता लगा है कि आतंकियों को किन लॉन्च पैड से भारत में घुसपैठ करने के लिए ऑर्डर मिले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी से पता लगा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने लश्कर के आतंकी कमांडर मोहम्मद अमीन बट, मोहम्मद कासिम और सजाद जट उर्फ रफीक नाई को जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले और आतंकियों की घुसपैठ का जिम्मा सौंपा है। ये तीनों टॉप टेरर कमांडर पीओके में सक्रिय है। रजौरी और पुंछ में इन्हीं के भेजे आतंकी कमांडर पर पुलिस ने 10 लाख का इनाम भी रखा है, जिसका नाम अबू हमजा बताया जा रहा है। अबू हमजा की तलाश सुरक्षा बल लगातार कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीओके के 17 ट्रेनिंग कैंप से 37 लॉन्चिंग पैड के रास्ते 200 से 250 आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में है। 9 जून से शुरू हुए टेरर अटैक में 4 दिन में 4 आतंकी हमले अंजाम दिए गए। वहीं आतंकी आकाओं की पूरी कोशिश है कि सीरियल अटैक का सिलसिला जारी रखा जाए, जिसके लिए आईएसआई ने टेरर रूट तैयार कर आतंकी घुसपैठ का बारूदी मंसूबा भी बना रखा है। सूत्रों से पता लगा है कि आतंकियों ने पीओके के हलान शुमाली, अलीबाग, डुंगी, हाजी पीर सेक्टर, फॉरवर्ड कहूटा, पड़ मोहल्ला, रंकडी और सीढ़िया में लॉन्च पैड्स एक्टिव कर दिए हैं। मौत बांटने के हथियारों से लैस दहशतगर्दों का दस्ता भारत में घुसपैठ के लिए आत्मघाती जोखिम भी उठाने के लिए तैयार है। हालांकि भारतीय सुरक्षा बल की मुस्तैदी ने दहशतगर्दों को उनके बिलों में दुबके रहने पर मजबूर कर रखा है। कठुआ में जारी सर्च ऑपरेशन के बीच भारत की तरफ से दहशतगर्दों को क्लियर मैसेज भी दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्स के साथ ही कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ लोगों का आक्रोश देखने को मिला है, जहां आतंकियों के खिलाफ आम कश्मीरियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं का मंसूबा सिर्फ जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात अंजाम देने भर का नहीं है। हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर की टेरर टोली भारत के बड़े धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की भी फिराक में है।